नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ सांभर, वो भी होममेड सांभर मसाला से। यहाँ मैं तूर डाल ली हूँ, ये एक बड़ा स्पून में है। इसको मैं कुछ समय के लिए भिगो के रखूँगी। कुछ वेजिटेबल्स भी कट करके ली हूँ। यहाँ है ड्रम स्टिक, ब्रिंजल, पम्पकिन, रेडिश, कैरट और टमाटर। चाहिए से वेजिटेबल्स ले सकते हैं, लौकी भी ले सकते हैं, भिंडी भी ले सकते हैं। आपको पसंद है वो स्किप भी कर सकते हैं। इमली को भी आधा घंटा भिगो के रखी हूँ। आधा घंटे के बाद हम पहले जो दाल भिगो के रखे थे उसका एक पेस्ट बनाएंगे। पूरी तरह पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा सा पेस्ट बनाना है हमें। यहाँ मैंने एक कुकर ली हूँ, उसके अंदर मैं जो दाल पीस के रखी थी उसे डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। उसके बाद हम सारे वेजिटेबल्स को भी इसके अंदर डालेंगे। अगर आप भिंडी ले रहे हैं तो भिंडी को कुकर में मत डालिए, नहीं तो वो ज़्यादा कुक हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। मैं 50 ग्राम दाल के लिए 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। अपने हिसाब से पानी डालिए। अगर आपको पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी डालिए और अगर मोटा चाहिए तो कम पानी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और करीब 2 स्पून मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो इमली भिगो के रखी थी पहले से उसका पानी डाल रही हूँ। अब हमें इन सब को अच्छे से मिलाना है। अब मैं इसमें घर पर जो सांभर मसाला बना के रखी थी उसे ऐड करूंगी और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी डालूंगी। हमें कुकर का लिड कवर करके 15 मिनट तक इसे कुक करना है। इसे हाई फ्लेम में हम कुक करेंगे 15 मिनट तक। पंद्रह मिनट के बाद हम सांभर के लिए एक चोप प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैं कढ़ाई ली हूँ, उसमें ऑयल भी डाल दी हूँ और उसमें मैं थोड़ी सी मस्टर्ड से थोड़ी सी सौंफ ऐड कर रही हूँ, एक रेड चिल्ली और थोड़ी सी करी पत्ता भी ऐड कर रही हूँ। इन सबको हमें थोड़ी समय के लिए फ्राई करना है और उसके बाद हम इसको कुकर में डालेंगे। डालने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक कुक करना है। उसके बाद हमारा सांभर बनकर तैयार है। हम इसको एक बाउल में निकालेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी धनिया के पत्ता डाल कर उसे सर्व करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिए।